चाकू से हमला किया गया, दस्तयाब हुआ और उसकी गिरफ्तारी कर आज दिनांक 27 धारा 302 IPC। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहडोल में गेम खिलाने से मना करने पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी प्रिंस कहार ने मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर हुई विवाद पर चाकू से गोद गोदकर राजा की हत्या कर दी। साथियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन प्रिंस ने किसी की भी नहीं सुनी और राजा को चाकू से गोद गोद कर लहूलुहान कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में युवक को जयसिंह नगर हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ घंटे के बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रिंस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सर ये बताइए, कल जो घटना हुई है उस घटना के बारे में आप विस्तार से बताएं। ये कल दिनांक 26 मार्च 2024 को थाना जयसिंह नगर अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवक को उसी के मित्र द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला किया गया, जिसकी मृत्यु हो जाने पर थाना जयसिंह नगर में धारा 302 IPC और SC ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया। साथ ही आरोपी की पता तलाश दौरान आरोपी दस्तयाब हुआ और उसकी गिरफ्तारी कर आज दिनांक 27 मार्च 2024 को विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोग घायल भी हुए सर, कौन कौन है? ये मृतक के साथ में 3-4 लड़के थे, उनको भी हल्की चोटें आई, जिनका भी मुआवजा कराया गया है और उस एंगल से भी विवेचना की जा रही है। शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।